रूस और यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन के टैंक खासे चर्चा में है। मारक क्षमता के मामले में ये टैंक दुनिया में अव्वल बताए जाते हैं। मात्र एक बार में यूक्रेन को भारी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। गुरुवार को लड़ाई का 8वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के टैंकों ने भयानक तबाही मचाई है। यहां स्थित दर्जन भर एयरफील्ड को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। कीव और खारकीव सहित कई शहरों के अधिकांश फ्यूल पॉइंट भी खत्म कर दिए गए हैं। दूसरी ओर रूसी टैंक दौड़ते चले जा रहे हैं, उन्हें रिफिलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि रूसी सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-14 MBT आखिर क्या पीते हैं। भारतीय आयुध निर्माण के एक एक्सपर्ट बताते हैं कि रूस के पास इस वक्त दुनिया के बेहतरीन टैंक मौजूद हैं। T-19 को बनाने के लिए भी रूस की मदद लेनी पड़ती है। यूक्रेन में T-14 आर्माडा मुख्य युद्धक टैंक माना जाता है। इसका अपडेटेड वर्जन भी तैयार हुआ है। रूसी सेना के टैंक को यूक्रेन में जो टास्क मिला है वह एक बार की फिलिंग में पूरा हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक यूक्रेन के कई बड़े शहर रूस की सीमा से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। खारकीव तो रूस बॉर्डर से मात्र 35 मील यानी 40 किलोमीटर की दूरी पर है। रूसी सेना के टैंक के पीछे एक बड़ा ईंधन लगा रहता है। इसमें करीब 500 लीटर अतिरिक्त डीजल भी भरा होता है, जबकि टैंक में 1200 लीटर डीजल की फिलिंग होती है। यही वजह है कि लड़ाई के 8वें दिन तक टैंक दौड़ रहे हैं, अभी उन्हें रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। बता दें कि टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से हेलीकॉप्टर को मार गिराया जा सकता है। टैंक के पास 3 किलोमीटर दूरी तक का सटीक निशाना लगाने की अचूक मारक क्षमता भी है। वहीं T-14 आर्माडा टैंक का अपग्रेडेड वर्जन रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है। इसका फायदा ये होता है कि लड़ाई के दौरान हवाई या मिसाइल अटैक से टैंक के भीतर बैठे सैनिक सुरक्षित रहते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।